एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम मूंगफली बुन रहे हैं। तो इसको बिना तेल में बुन रहे हैं क्योंकि इसको भून करके हमको रखना है। इसको अच्छे से डब्बे में बंद करके रखेंगे तो क्या होता है ना, जब भी खाने का मन को करो तो इसे हम निकाल के खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ डाल के खा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए मूंग कितना अच्छा से है। इसको बहुत दिन यूँ ही छोड़ दिए थे और देखिए यहाँ पर लहसुन डाल दिए थे जिसके वजह से ये बिल्कुल भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा। देखिए एकदम बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो इस तरह से अगर ज़्यादा दिन तक कोई चीज़ आप स्टोर करके रखना चाहें तो इसमें लहसुन डाल करके रख दीजिए। और वेदर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वेदर, क्लाउडी क्लाउडी वेदर आजकल, एकदम क्लाउडी वेदर होता है ना, एकदम बारिश बारिश होने लगती है, एकदम फटाफट से बहुत ज़्यादा एकदम बारिश होने लगती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कितना क्लाउडी वेदर है। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ बादल छाया हुआ है। तो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ अपने किचन में और मैं ना मछली बनाने वाली हूँ और मछली की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो आप लोग भी देख लीजिए कि मेरी मछली कैसे बनती है, अच्छी बनती है कि नहीं बनती है। सो मैं बहुत टेस्टी सा मछली बनाने जा रही हूँ, तो आप भी देख लीजिए मेरी रेसिपी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मछली फ्राई कर लिए हैं, यहाँ पे बहुत सारा मछली फ्राई कर लिए हैं। तो इतना नहीं बनाएंगे, इसमें से हम 6 पीस ही बनाएंगे क्योंकि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी तीन ही जन है, तो हम लोग खाएंगे तो 2 पीस करके। तो यहाँ पे इतना सारा मछली को, बाकी मछली हम फ्रिज में रख देंगे और यहाँ पे 6 पीस मछली बनाएंगे, उसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे टमाटर डाल करके बनाएंगे। यहाँ पे सारा मसाला को जो भी मुझे डालना है वो सब यहाँ पे देखिए पीस करके रख लिए हैं। यहाँ पे प्याज है और लाल मिर्च है उसको पीस लिए हैं, टमाटर पीस लिए हैं, यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट उसको भी पीस करके यहाँ पे रखे हैं, और यहाँ पे जो सरसों हैं सरसों को भी अच्छे से पीस करके रख लिए हैं। तो बहुत लोग सरसों डालते हैं, बहुत लोग सरसों नहीं डालते हैं, बिना डाले भी बनता है। तो बहुत टाइप से बनता है ना मछली, तो आदमी बहुत तरीके से बना सकता है। कोई टमाटर डाल कर भी बनाता है, कोई बिना टमाटर के भी बनाता है। इस टाइप से बनाने का, मछली बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, तो आज मैं यही तरीका अपना रही हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं अच्छे से पंचफोड़न चटक गया है। तो यहाँ पे अब जो पिसा हुआ प्याज है उसको हम डाल दिए। तो पिसा हुआ प्याज को ना थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है, तो पिसा हुआ प्याज को देखिए यहाँ पे अब ये अच्छे से भून लिए हैं हम। देखिए अच्छे से ये फ्राई हो गया है। तो इसके फ्राई होने के साथ ही इसमें डाल देंगे टमाटर, और टमाटर के डालने के साथ ही समझिए कि सारा मसाला इसमें हम डालेंगे, जो भी है वो सब डालेंगे। जैसे यहाँ पे सारा मसाला हम डाल देते हैं, है ना, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, ये सब डाल देंगे, और जो जीरा गोलकी है पाउडर है वो भी हम डाल देंगे, इसमें हल्दी डाल देंगे, नमक डाल देंगे। उस सब उसका वीडियो हम नहीं ले पाएँ तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं, वो सब भी डाल लेना है। और इस तरह से ढक ढक करके पकाना है इसको। ऑयल अच्छे से देखिए छोड़ दिया है, इसका मतलब ये जो मसाला है वो अच्छे से भुन गया हो गया है ना, अच्छे से फ्राई हो गया है। तो ये भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को, हालांकि आप लोगों को सबको तो ये पता ही होता है, लेकिन फिर भी जब मैं शेयर कर रही हूँ तो मुझे ये सब बताना होता है। तो इस तरह से अच्छे से ये फ्राई हो गया है, और इसमें हम पानी डाल देंगे। और पानी जितना भी ग्रेवी जैसे भी है, जो भी जैसे क्वांटिटी, तो अपने जो फैमिली मेम्बर है उस हिसाब से हम लोग डालते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हम डाल दिए हैं, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कर देते हैं। तो ये अच्छे से जब खोलने लगे तो इसमें तेज़पत्ता डाल देंगे, और वो तेज़पत्ता के साथ ये अच्छे से खोलने लगेगा तो इसके बाद जो मछली है वो मछली का पीस हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद ये बिल्कुल हो जाएगा रेडी। तो इस तरह से हम बनाते हैं मछली, और भी बहुत तरीके हैं, वो सारे तरीके भी मैं कभी ना कभी आप लोगों को दिखाऊंगी धीरे धीरे करके। तो आज यही वाला तरीका जो हम अपनाए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए। तो मेरा मन कर रहा था कि आप लोगों के साथ मछली की रेसिपी शेयर करें। तो यहाँ पे मछली डाल रहे हैं, और मछली डाल करके इसको ढकना तो नहीं है, मछली डाल करके हालांकि बहुत लोग ढकते नहीं हैं, हालांकि ढकना भी नहीं चाहिए बहुत लोग बोलते हैं, तो हम भी मछली डाल करके इसको ढक्कन नहीं ढकते नहीं हैं। तो इस तरह से थोड़ा देर खोलेगा, और थोड़ा देर खोलने के, बहुत लोग हैं ना कि मछली को बहुत देर तक खोलाते हैं, तो बहुत देर मुझे खोलाना अच्छा नहीं लगता है। तो इसको हल्का सा 5-10 मिनट के लिए खोलाएँगे, इसके बाद ये बिल्कुल इस तरह से बन करके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।